नमस्कार, क्या आप जानते हैं हर साल अधिक रासायनिक खाद डालने के बावजूद आपके खेत की उत्पादन क्यों कम होते जा रही है? मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी होता है हमारे फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं साल दर साल बिना सोचे समझे हम जो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक, फफूंदी नाशक ये सब डालते जा रहे हैं हमारे खेतों में, इससे हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को कितना हानिकारक प्रभाव पड़ा है। तो आइए हम जानते हैं पहले मिट्टी का स्वास्थ्य होता क्या है। मिट्टी के स्वास्थ्य प्रमुखतः तीन तरीके से देखा जाता है। भौतिक स्वास्थ्य, जिसमें कि मिट्टी की संरचना, मिट्टी में पानी कितना जमा हो सकता है, मिट्टी में कितना हवा हो सकता है, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं रासायनिक स्वास्थ्य, मतलब मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व हैं, हर तरह के पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, वो किस फॉर्म में है, वो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हमारे पौधे के जड़ उसको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, जो कैटायन आयन एनायन एक्सचेंज रेशियो हम लोग बोलते हैं, तो उस तरीके से वो कैटायन्स और एनायन्स अलग अलग जो है उस फॉर्म में होंगे तभी पौधे ले पाएंगे। और तीसरा जो होता है वो जैविक स्वास्थ्य होता है। जैविक स्वास्थ्य का मतलब कि कितने उसमें मिट्टी में कार्बनिक मात्रा है, मिट्टी जो है सो हर तरह के जीव का, हर तरह के जीवाणुओं का एक कम्प्लेक्स पारिस्थितिकी तंत्र है। लाखों किस्म के सूक्ष्म जीवाणु इस मिट्टी में रहते हैं जो हम अपने आँखों से देख नहीं पाते हैं, और हम जो बिना सोचे समझे इतना रसायन का उर्वरक का रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक, फफूंदी नाशक ये सब डालते हैं अपने खेतों में, उसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे मिट्टी के जैविक स्वास्थ्य के ऊपर। तो हमारे मिट्टी के जैविक स्वास्थ्य को बनाने के लिए क्या करना होगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा जानते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हमारी मिट्टी की अनवरत उर्वरता बढ़ती है। जैविक स्वास्थ्य उर्वरता बढ़ेगी, जब जैविक स्वास्थ्य बढ़ाएंगे तो उससे मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं, रसायन हैं, जिसे कि जड़ अपने को सोखती है, वो उस फॉर्म में होंगे। और जब हमारा जैविक स्वास्थ्य रहेगा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे या हरित खाद डालेंगे, तो उससे जो बनेगा मिट्टी का संरचना, उससे मिट्टी का भौतिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है। मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर सकेगा, पानी सोख सकेगा, और जो पानी रहेगा और हवा भी रहेगा तो उससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट, किसी भी तरह का कंपोस्ट, वो वर्मी कंपोस्ट हो, वो गोबर का खाद हो, वो हरा खाद हो, हरा खाद मतलब जैसे गर्मी के मौसम में जब हम कुछ भी नहीं लगाते हैं और खेत हमारा पड़ती रहता है, तो उस समय हम किसी भी तरह का दलहनी फसल लगा दिए, या जैसे गुआर का फसल बहुत बहुत प्रमुख माना जाता है हरित खाद के लिए, और उसको लगा के छोड़ देते हैं और बरसात के पहले उसको उसी तरह से खेत में जुताई कर देते हैं, तो जो भी पौधा बढ़ता है वो खेत में मिल जाता है। और चूंकि गुआर और इस तरह के दलहनी फसल होते हैं तो उससे हमारे मिट्टी का जो है उर्वरता बढ़ जाता है, मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, मिट्टी का संरचना अच्छा होता है, मिट्टी में जो है सो रासायनिक स्वास्थ्य बढ़ता है। और ये चूंकि कार्बनिक मात्रा है, फसल का ही जो है सो वापस जो है सो रिसाइकलिंग हो रहा है, तो उसमें बहुत तरह के जीवाणुओं को पलने बढ़ने का मौका मिलता है जो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो है खेतों की कम जुताई। बहुत बार बहुत गहरी जुताई करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे क्या होता है इतने तरह की जो हम जीवाणुओं की बात कर रहे हैं ये सारे जो है सो तितर बितर हो जाते हैं, इनकी जो रहने की जो आवास होती है वो नष्ट हो जाती है। और बहुत सारे जीवाणु आप जानते हैं जो हमारे मिट्टी में जो भी फसल है, या जैसे हमने अभी बताया हरित खाद डालते हैं गुआर लगा करके, या फसल अवशेष भी रहती है हमारे खेतों में, उसके ऊपर ये जीवाणु काम करते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बनिक मात्रा में बदल देते हैं, जो कि हमारे मिट्टी में कार्बनिक मात्रा बढ़ाती है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाती है। तो वो जब नष्ट हो जाता है तो उससे भी जो है सो हमारा खेत का, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है।
तो इसीलिए हमें कम से कम जुताई करनी चाहिए। और आज के डेट में, आज के तारीख में ये बहुत प्रचलित हो रहा है कि कम जुताई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे ले सकें और मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना के रख सकें। और इसके लिए बहुत तरह के यंत्र भी आ गए हैं, कृषि यंत्र भी आ गए हैं, जैसे हैप्पी सीडर है और भी है, सिर्फ सीड ड्रिल्स होता है जिससे कि जहाँ जहाँ पे बीज लगाना है वहाँ वहाँ पे हम छेद करते गए और बीज वहाँ पे डालते गए। तो ये दूसरा जो है बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम मिट्टी की संरचना को छेड़छाड़ करें, मिट्टी की संरचना के साथ छेड़छाड़ कम से कम करें, ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। और तीसरा जो हम काम कर सकते हैं, रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करें, उचित इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जितने भी तरह के रासायनिक कीटनाशक जो भी डालते हैं, इससे हमारे मिट्टी में संचय होते रहते हैं ये सब, और मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं। जैसे जैसे मिट्टी अम्लीय होती है, मतलब पीएच कम होते जाता है, तो मिट्टी का उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। मिट्टी को अच्छा उत्पादन देने के लिए पीएच 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए। 8 से ऊपर जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्षारीय मिट्टी, और 7 से कम जब हो जाता है तो वो हो जाता है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी का भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें कम से कम रसायन डालना चाहिए, जिससे कि वो मिट्टी जो है सो हमारा अम्लीय नहीं हो। दूसरा जो और दुष्प्रभाव पड़ता है ये सब रासायनिक खादों को डालने का, मिट्टी लवणीय हो जाता है, मतलब लवण की मात्रा, नमक की मात्रा मिट्टी में बढ़ते जाती है। और जैसे जैसे लवण की मात्रा बढ़ती है, फिर जो है सो हमारा जो पोषक तत्व के वाला जो है, वो पोषक तत्व हमारा फसल नहीं ले पाता है, फसल की जड़ें नहीं सोख पाती हैं, और उसके चलते फिर हमारा पैदावार कम हो जाता है, मिट्टी जो है सो कड़ा हो जाता है, मिट्टी के नीचे हार्ड पैन बन जाता है, कंकड़ बन जाते हैं, तो जड़ भी बहुत नहीं बढ़ पाता है। तो ये सब कारण से हमें कोशिश करना चाहिए जितना कम से कम हम रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक, फफूंदी नाशक डालें। और चौथा काम जो हम कर सकते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि चूंकि इतने सालों से हमारा मिट्टी का जैविक स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया है, आज हम देखते हैं हमारे खेतों में एक भी केंचुआ नहीं दिखता है। इसी तरह से ये तो केंचुआ तो बड़ा प्राणी है जो दिखाई देता है, बहुत जगह पे छोटे छोटे ऐसे जो है सो भृंग होते थे जो हमारे फसल अवशेषों के ऊपर खा करके उसको नष्ट करके उसको मिट्टी में मिला के कार्बनिक मात्रा बढ़ाते थे, वो सब भी नहीं देखते हैं, क्योंकि इतने हमने बिना सोचे समझे रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया है, रासायनिक खादों का उपयोग किया है। तो हमें अब अपनी मिट्टी की जैविक स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए ऊपर से हमें हर तरह के जैविक चीज, जैविक सूक्ष्म जीव जो कि हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ाते हैं, और मिट्टी में जो कीड़े हैं, जो फफूंदियाँ हैं, फफूंदी जनित बीमारी हैं, उनको रोकने में जो मदद करते हैं, ऐसे जीवों का हमें अपने खेतों में डालना पड़ेगा। जो भी आप कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं या और भी जिस तरह का जो भी डालते हैं, उसमें मिला करके ये सब चीज़ डाला जाता है। और ये क्या क्या होते हैं, इसमें एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, और वो किसी भी, आप कहीं पर भी खेत में रहेगा तो हवा में जो इतने ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, हवा में हमारे 71% तक नाइट्रोजन है, उसको वो धीरे 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 मिट्टी में फिक्स करते रहता है, और वो हमारे पौधे धीरे धीरे उसको ले सकते हैं। खाद डालते हैं तो क्या होता है, एक बार में पूरा खाद डाल दिए, हम किसी भी फसल में 2 या 3 बार में खाद डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि खाद को एक दिन खा लिया फसल, अब उसको जो है 2 महीना 1 महीना खाने का जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन तो डेली चाहिए, लेकिन यूरिया हम डेली तो डाल नहीं सकते हैं, DAP तो हमेशा डालना नहीं है, कभी कभी डालते हैं लगाने के समय, तो इसी हिसाब से पोटास, इसी हिसाब से फॉस्फोरस, और पोटास और फॉस्फोरस तो एक ही बार डालते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह के जीवाणु हैं जो कि हमारे फसल में हर दिन जो है सो हवा से नाइट्रोजन फिक्स करते रहते हैं, आपके पौधे को उपलब्ध रहता है, तो पौधा अच्छा ग्रो करता है। इसी तरह से एजोस्पोरिलम है। एजोस्पोरिलम क्या होता है, ये जितने भी तरह के अनाज हैं, धान है, मक्का है, गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब की जड़ के साथ में मिलकर के हवा के नाइट्रोजन को ही मिट्टी में फिक्स करता है।
इसी तरह से हमारा राइजोबियम है, जो आप जानते हैं हर तरह की दलहनी फसल में हम लोग राइजोबियम को मिला के डालते हैं, तो वो भी किसी भी तरह के दलहनी फसल और हर दलहनी फसल के लिए तो अलग अलग होता है, लेकिन जो उसमें ज़्यादा काम करता है, लेकिन ये सब का कल्चर आजकल बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो एजोटोबैक्टर बताया मैंने, एजोस्पाइरिलियम बताया हमने, इसी तरह से राइजोबियम बताया हमने, स्यूडोमोनास होता है, और स्यूडोमोनास पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको उपलब्ध कराता है, जो मिट्टी में है लेकिन मिट्टी में इस फॉर्म में है जो कि पौधे के जड़ उसको ले नहीं सकते हैं, तो उनको ऐसे तोड़ देता है आयनिक और एनायनिक फॉर्म में, जो पौधे हमारे उसको आसानी से सोख सकते हैं। और साथ साथ ये बहुत तरह की बैक्टीरिया जनित बीमारी को भी रोकता है, तो ये है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस आता है। और इसी तरह से ट्राइकोडर्मा के बारे में आप लोग जानते हैं, ट्राइकोडर्मा भी हमको अपने खेतों में डालना चाहिए, ट्राइकोडर्मा हर्जियम बहुत तरह की फफूंदी जनित बीमारियों से हमारे फसलों को बचाता है। इसी तरह से बिवेरिया बासियाना है, जो हमारे खेतों में बहुत तरह के कीटों से बचाता है, जो फसल में जो कीड़े हमारे फसल को नुकसान करते हैं उनसे बचाता है। इसी तरह से मेटारिजियम है, जो ज़मीन में लगने वाले बहुत सारे कीड़े हैं, जैसे दीमक है, जैसे बहुत तरह के ब्रिंग हैं, जो बहुत तरह के इल्लियाँ होती हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी, जो जड़ को खा जाती हैं और तना को नीचे से खा जाती हैं, उनसे हमारे पौधे को बचाता है। इसी तरह से वर्टिसिलियम होता है, जो कि बहुत तरह के हॉपर से, एफिड से, इन सारे कीड़ों से हमारे पौधों को बचाता है। तो आगे बने रहिए, इन चार तरीकों से हम अपने मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।